दीदार अली शाह अपना विकेट गंवाते हुए, चेतन पांचाल। नेक्स्ट बैट्समैन है इसरार, इसरार। हाँ हाँ ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, दो रन। और मैच अपनी एमपीएल सीजन थ्री, दो रन। एमपीएल सीजन थ्री अपनी चरम सीमा पर, अगली ओवर लेकर के आते हुए परवे जावेद, और उतना ही अच्छा शॉट यहाँ पर शाहिद द्वारा, और बहुत ही अच्छा रन चुरा लिया यहाँ पर इसरार ने। शाहिद काफी क्लास बल्लेबाज है, अपनी टीम के लिए अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, और अगली बॉल अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। जावेद की तीसरी बॉल, और बहुत ही अच्छा पुल किया इसे एक रन डी जोन में। बॉल डी जोन में जाते हुए शाहिद। और शाहिद का अगला बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर शाहिद द्वारा, और यहाँ पर रन आउट। इसरार रन आउट होते हुए, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसरार को अपना विकेट देकर। इसरार रन आउट होते हुए, बहुत ही बड़ा झटका पावर हीटर के लिए। अगले बल्लेबाज फील्डर अजय, अगले बल्लेबाज महबूब, एक आया। महा स्ट्राइक पे अगली बॉल का सामना करेंगे महबूब, और बहुत ही अच्छा शॉट खेला है एक रन के लिए। लास्ट बॉल, 7 रन, ओवर की लास्ट बॉल, और 7 रन हो चुके हैं यहाँ पर पावर हीटर्स के। और शाहिद काफी अच्छा शॉट पॉइंट की तरफ, 8 रन। अगली बॉल लेकर के चेतन पांचाल, और यहाँ पर अपील मांगते हुए चेतन पांचाल, अंपायर ना खुश। डॉट बॉल चेतन पांचाल। महबूब अगली बॉल का सामना करते हुए, और बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया है, अंपायर का इशारा, 2 रन। हाँ नहीं, महबूब द्वारा बहुत ही अच्छा शॉट, 2 रन डिक्लेयर जोन में। बॉल पे ध्यान दिया जाए, बॉल कहाँ गई है। चेतन पांचाल की अगली बॉल पे उतना ही अच्छा शॉट, और अफजल नीचे, और बहुत ही अच्छा कैच अफजल द्वारा। महबूब आउट हुआ, अफजल ने कैच पकड़ा। अगले बल्लेबाज सलमान मंसूरी, उर्फ टिड्डी, लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं ये भी।
और सामना करेंगे चेतन पांचाल की बॉल का सलमान मंसूरी। और जैसा मैंने कहा था, लंबे हिट लेकिन गलत जगह मार दिया उन्होंने, हाथ में मार के अपना विकेट गवाते हुए। और हमेशा की तरह नाखुश चेहरे की मुस्कान गायब होते हुए सलमान मंसूरी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, काफी उम्मीद थी पवे हिटर को इस बल्लेबाज से, लेकिन हमेशा की तरह निराशा जताते हुए पवेलियन जा रहे हैं सलमान मंसूरी। चेतन पांचाल की आखिरी बॉल और महबूब उतना ही अच्छा शॉट, अंपायर का इशारा, दो रन फरदीन द्वारा। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। चौदह रन तीसरे ओवर की आखिरी बॉल। और शाहिद का उतना ही अच्छा शॉट, लास्ट बॉल अंपायर, ओवर 15 रन, 3 ओवर 15 रन। हेलो हेलो हेलो, गोलू की तरफ से या अगली गेंद शाहिद के लिए, गेंद गोलू द्वारा बीट हुए यहां पर शाहिद बावा। काफी अच्छी गेंदबाजी गोलू द्वारा, अगली गेंद और कट किया है ऑफ में पॉइंट की तरफ, एक रन की प्राप्ति शाहिद को। इसी के साथ स्कोर पवई हिटर्स का 16 रन पहुंच चुका है। काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये स्टार वॉरियर्स के लिए। अगली गेंद और ये भी बीट हुए फरदीन। गोलू काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए, महाड़ा वॉरियर्स के आइकन है गोलू और ये डिजर्व करते हैं आइकनशिप। जावेद ने स्टार वॉरियर्स काफी अच्छा शॉट फरदीन द्वारा और बेहतरीन थ्रो आया है लॉन्ग ऑन से और गोलू फील्डिंग को एडजस्ट करते हुए अगली गेंद शाहिद के लिए और स्लोअर गेंद। और ये अंपायर डिसीजन आउट हुए, फरदीन लौट रहे हैं पवेलियन की तरफ और अगले बल्लेबाज हसनाम की एंट्री हो चुकी है। हसनैन है इनका नाम, छप गया है हसनाम। गोलू अच्छी गेंद जगह पे उठा दिया है शाहिद बावा ने और इसी के साथ एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए पवई हीटर्स को। ये झटका तो 440 वोल्टेज से भी ज्यादा है जो कि पवई हीटर्स को लगा है। और हमारे नौशाद भाई से गुजारिश है कि सीट को खाली करें और कमेंटेटर को बैठने दें, नहीं तो मैच में बैठो मजाक कर रहा हूं। और ये काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है गोलू ने, अयान है अगले गेंदबाज। और इसी के साथ एक्स्ट्रा रन से बचाना होगा खुद को,
अयान को ये समझने की जरूरत है कि एक्स्ट्रा रन इन्हें खाई की तरफ ढकेल देगा इनकी टीम को। स्टार वॉरियर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। अयान की अगली गेंद और हसनैन स्ट्राइक पर और खींच के मारा है और एक रन का इशारा अंपायर द्वारा। काफी अच्छी मैच अभी तक और ये फिर से डॉट हुए हसनैन। काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अयान जो कि स्टार वॉरियर्स के एक वॉरियर हैं, एक सोल्जर हैं और अच्छा शॉट मारने का प्रयास और अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा किया है स्टार वॉरियर्स के प्लेयर ने और अच्छा थ्रो गोलू के हाथ में। ये मैच काफी इम्पोर्टेंट मैच है स्टार वॉरियर्स के लिए और अगली गेंद अयान की। अच्छा शॉट उठा के मारा है और कैच हो जाता, पेड़ पर लग गई बॉल और इसी के साथ रन आउट हो गए हसनैन। कंफ्यूज हो गए कि आउट कौन है, लेकिन ये गेंद कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सल्यूशन कुछ पता नहीं। सल्यूशन जो मिले तो साला, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। कंफ्यूज हो रहे हैं पवई हिटर्स और हौसला बुलंद करना होगा पवई हिटर्स के प्लेयर्स को और अच्छा लक्ष्य बनाना होगा अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं अगली गेंद अयान की। और बीट हुए अरशद और इसी के साथ अंपायर डिसीजन वाइट का इशारा किया है अंपायर ने। इसी के साथ अरशद स्ट्राइक पर और अयान की अगली गेंद और फिर से बीट हुए लेकिन अंपायर इशारा है वाइट का और इसी के साथ 33 रन का स्कोर 23 का स्कोर खड़ा कर दिया है पवई हिटर्स ने और फिर से अरशद बीट हुए और अयान की अच्छी गेंदबाजी स्टार वॉरियर्स को जीत दिलाना चाहते हैं। अयान काफी मेहनत कर रहे हैं और फिर से अरशद बीट हुए, आगे निकलकर चहलकदमी कर मारने का प्रयास किया और इसी के साथ पवई हिटर्स की टीम 5 ओवर में 23 का लक्ष्य खड़ा कर पाई है और सिमट गई है 23 रनों पर। 5 ओवर में 23 रन बनाया है पवई हिटर्स ने और इसी के साथ स्टार वॉरियर्स को 30 गेंदों में 24 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। देखना है ये मैच स्टार वॉरियर्स अपने नाम कर पाती है या नहीं। धारावाहिक MPL सीजन 3 ब्रेक के बाद MPL सीजन 3 को कराने में हमारे असगर सोशल वर्कर वार्ड नंबर 1 चांदीवली विधानसभा से इस मैच को कराने के लिए बहुत बहुत दिया असगर भाई ने। हम शुक्रगुजार हैं असगर भाई के उन्होंने MPL सीजन 3 को कराकर हम सारे महाड़ा के लोगों को ये अवसर दिया कि अपना अपना हुनर दिखाएं और लोगों का दिल जीतें, मैच जीतें और प्राइज भी जीतें। असगर भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार है ये पूरा महाड़ा कॉलोनी
कि उन्होंने अपने इस योगदान से हम सबको इस MPL सीजन में खेलने का अवसर दिया और कौशर को भी कुछ दिया। काफी अच्छी मैच अभी तक खेली है गोलू ने, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं गोलू, लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं और लंबा लंबा सब इनको पसंद है, शॉट लंबे मारते हैं और लग खेलते हैं। क्या कोई गेंदबाज है पवई हिटर्स का जो गोलू को सके अपने इस आक्रामक बल्लेबाजी से, काफी आक्रामक बल्लेबाजी का गोलू। पवई हिटर्स ने 5 ओवर में 24 रन का हेलो पवई 24 रनों का लक्ष्य है। पहली गेंद द्वारा गोलू है स्ट्राइक पर और अच्छा क्लिक किया है, एक रन, एक बॉल एक रन। शाहिद मंझे हुए बॉलर हैं, काफी एक्सपीरियंस है इन्हें MCGM में। और अगली गेंद गोलू के लिए और गोलू ने घुमाकर मारा है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमारे शाहिद बावा, लेकिन गोलू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसी के साथ इमरान आए हैं स्ट्राइक पर और कट किया है और इसी के साथ 3 रनों का स्कोर हो गया है स्टार वॉरियर्स का और एम्पायर डिसीजन डिक्लेयर दिया गया इस रन को। काफी अच्छी मैच का मुजाहरा किया है, अच्छा शॉट इमरान द्वारा 1 रनों के लिए। हमारे प्लेयरों से गुजारिश है कि जो बॉल यहां वहां जा रही है कृपया करके उसे लाया जाए। काफी अच्छा शॉट इमरान द्वारा, बहुत अच्छी तरह खेल रहे गेम को इमरान और गोलू। अगली गेंद शाहिद की और गोलू ने घुमाकर मारा है दुनिया के बाहर 1 रन के लिए। एक वक्त एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद अर्शद द्वारा, 6 रनों का स्कोर हो चुका है स्टार वॉरियर्स का। पहली गेंद बीट हुए इमरान, काफी अच्छी गेंदबाजी अर्शद द्वारा। और ये अगली गेंद उठाकर मारा है 1 रन के लिए इमरान ने। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर नौशाद खान का, जिन्होंने अपना अच्छा खासा योगदान दिया इस MPL सीजन 3 को। और ये अगली गेंद अर्शद की, काफी तेज गेंद थी ये, काफी अच्छी गेंद, बीट हुए इमरान और स्टार के सारी टीम जो है वो इस वक्त गोलू पर नजरें टिकाई हुई है और इमरान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं अर्शद और क्या
गेंदबाजी है, फिर से बेट हुए इमरान, काफी अच्छी गेंदबाजी अरशद की। हमारे वाहिद खान का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अदा हम अगली गेंद अरशद की और इमरान के बैट पर लगी है, लेग साइड गई है, फरदीन के हाथों में आई ये गेंद और ये रन चुरा लिया है गोलू ने। गोलू जाने जाते हैं रन चुराने के लिए, तो रूप की रानी मैं रनों का राजा, रनों का राजा है गोलू। पलक झपकते ही भाग जाते हैं दो रन के साथ, खुशी की ओर बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी गेंद अरशद की, गुगली थी ये गेंद जो कि इमरान समझ नहीं पाए और बीट हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी की है अरशद ने, केवल 3 रन दिए अपने इस सेकेंड ओवर में और इसी के साथ स्टार वॉरियर का स्कोर 9 रन पर पहुंच चुका है और 15 रन की जरूरत और ये अच्छा शॉट गोलू का, काफी अच्छी गेंदबाजी रही है ताज की इस MPL सीजन 3 में। काफी कम रन दिए हैं इन्होंने और इमरान इस वक्त स्ट्राइक के हैं अगली और ये अंपायर का ताज काफी मेहनत कर रहे हैं। हेलो स्पीकर वाले सर से गुजारिश है कि थोड़ा सिस्टम को सही किया जाए, आवाज सुरीली आनी चाहिए। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अरशद, फिर से बीट हुए इमरान। बड़ा बड़ा शॉट मारने की तलाश में थे इमरान और बीट हुए। ताज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा अब तक ताज द्वारा और अच्छा शॉट 1 रन के लिए इमरान ने फिर से 1 रन प्राप्त किए हैं। अगली गेंद ताज की, इमरान फिर से बीट हो गए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी ताज, अगली गेंद ताज की स्ट्राइक पर है इमरान। काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट और इसी के साथ इमरान ने काफी अच्छा शॉट खेला लेकिन पेड़ पर लग गई गेंद और की अगली गेंद गोलू के लिए और उठा के मारा है गोलू ने दुनिया के बाहर 1 रन के लिए। तीन ओवर की समाप्ति पर स्टार वॉरियर का स्कोर है 15 रन।
और 12 गेंदे और 9 रन और अभी तक एक भी विकेट गिरी नहीं है स्टार वॉरियर्स की। ये ओपनर सलामी बल्लेबाज इमरान और गोलू और इन्होंने 15 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए और 12 गेंदे और 9 रन जीत के लिए। ये अगली गेंद अगले गेंदबाज हेलो काफी अच्छी गेंद अच्छी गेंद इमरान स्ट्राइक पर खेल रहे हैं और काफी समय से पिच पर बने हुए हैं। ये अगली गेंद अर्शद की और ये चकमा देने के चक्कर में चश्मा लग गया सर। वाइड गेंद वाइड गेंद फेंकी है अर्शद ने। अर्शद सर को समझने की जरूरत है कि एक्स्ट्रा नहीं देना है अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो। और अच्छा शॉट उड़ाकर मारा है इमरान ने और ये इजी कैच ड्रॉप किया है हसनैन ने। कैच छोड़ो मैच छोड़ो साइमन गो बैक कैच छोड़ो मैच छोड़ो का नारा जिसने दिया है उसने ये भी नारा दिया है साइमन गो बैक। और ये अगली गेंद अर्शद की और गोलू भी बीट हुए काफी अच्छे बाज है गोलू। और गोलू को अगर बीट करा रहा है ये गेंदबाज तो आप समझ सकते हैं इस गेंदबाज की क्या धार है। अजारू भाई से गुजारिश है कि अर्शद दीपक भाई के पास आए। अगली गेंद अर्शद की और ये उठाकर मारा है गोलू ने एक रन के लिए काफी बातें दूर मार दिया है एक रन की प्राप्ति। काफी बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं गोलू। आज की शाम रंगीन होगी गोलू। आज की अगर ये मैच आपने जिता दिया तो जावेद जो हैं आपके कैप्टन वो आपकी शाम रंगीन कर देंगे। अच्छा शॉट खेला और अच्छा शॉट खेला था और इसी के साथ रन आउट का एक बहुत ही बड़ा मौका गवाया है पवई हीटर्स ने। ताज ने अच्छा ट्राई किया रन आउट के लिए डायरेक्ट हिट लगता तो शायद ये करीबी मामला हो सकता लेकिन खत्म हो गया। 7-5 रनों की जरूरत है। अच्छा शॉट इमरान द्वारा दुनिया के बाहर एक रन। आखिरी ओवर इस मैच का
कौन? हेलो, अच्छी गेंदबाजी और बढ़ते हुए स्टार वॉरियर्स।